अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जो भाई चैनल पे नया है, चैनल आदमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक बनाया ना, वो मैंने गुड़ के ऊपर बनाया हुआ है। और जिस मकसद के लिए बनाया हुआ है वो ये है कि दोस्तों बहुत से भाइयों का जो है ना, मुझे दोस्त भी हैं मेरे कुछ में, तो व्हाट्सएप पे उनकी मुझे बहुत कॉलें आ रही हैं कि यार ब्रीडर कबूतरों में जो है ना, हमारे हाजमे का मसला आया हुआ है, दाना जो है वो हजम नहीं हो रहा है और बच्चे भी सही नहीं पाल रहे हैं, बड़ा मसला बना हुआ है, तो उसका कोई हमें हल बता दें। तो उनको तो मैंने चले खैर अपने समझा दिया है, बाकी मैंने सोचा आप भाइयों के साथ भी जो है ना वीडियो शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जो मौसम एकदम तब्दील हो रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है ना ब्रीडर कबूतरों में अक्सर ये चीज आ जाती है। दूसरा जो है, हम दाना भी धो के आजकल नहीं डाल रहे, ना धो के डालते हैं ना सुखाते हैं उसको, तो हमारी अपनी भी कुछ कमजोरियां हैं जिनकी वजह से जो है ना कबूतरों में हाजमे का मसला आ रहा है बहुत ज्यादा, और खासकर ब्रीडर कबूतर बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। और साथ साथ जो है ना उड़ाई वालों में भी आ गए हैं, ये मतलब एक वायरस आया हुआ है हवा के जरिए, आपको पता है आजकल हवा भी चल रही है, तो उस वजह से भी जो है ना अक्सर वायरस आ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने हल जो है ना, हमारे पास जो हमारा आजमूदा हल है हाजमे के लिए सबसे बेहतरीन, या तो आप वो हाजमे का मैंने पानी बनाया हुआ वो इस्तेमाल करें बना के, या फिर जो है ना दोस्तों खाली गुड़ लें, उसको पानी में डाल लें, आधा लीटर पानी लें, उसमें इतना सा गुड़ डाल लें, गुड़ को जो है ना पहले पीस लें अच्छे से और पानी के अंदर डाल दें, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आधे घंटे के लिए, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा कबूतर है, और अगर दो तीन चार कबूतर है तो उसके लिए आप जो है ना गुड़ लेके उसमें से चने बराबर इतना इतना सा तोड़ के उसके मुँह में डालें, 5 cc ऊपर से पानी दे दें, इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे बाद आपका कबूतर दाना मांगेगा, लेकिन आपने दाना उसको देना नहीं है क्योंकि हाजमा ख़राब होता है। अगर पोट में उसके पहले दाना है तो सबसे पहले आपने कबूतर को पलटा लेना है, अच्छे से साफ करना है, उसके अंदर देख लेना है, आपको फंगस टाइप नज़र आ जाएगी दाने के अंदर, कुछ दाना तो अगर पुराना हुआ तो वो तो फूल जाता है, साथ में ग्रीन ग्रीन जो है ना फंगस जो है ना बनते हुए नजर आएंगे आपको, आपने वो देख लेना है, पोट साफ करके आपने फिर उसको जो है ना 5 cc 10 मिनट बाद आपने वो पानी बना के उसको, या अगर एक दो कबूतर है तो थोड़ा सा गुड़ तोड़ के चने बराबर 2 दाने इस तरह लेके उसके मुंह में डाले, 5 cc पानी दे, कबूतर के अंदर जितनी भी गंदगी है सब वो बाहर कर देगा, अगर बिठे भी नहीं कर रहा था ना पहले तो वो बिठे भी करने शुरू हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल पेट उसका साफ हो जाएगा। आपने जो है ना उसको 1 से 2 दिन जो है ना उसको तकरीबन 1 दिन तो आपने बिल्कुल उसको नॉर्मल दाना वगैरह नहीं देना, आपने जो मिक्स दाना दे रहे हैं आप जो भी दे रहे हैं बाजरा वगैरह कुछ भी नहीं देना, आपने सिर्फ जो है ना 4 घंटे तक तो उसको कुछ भी नहीं देना पानी के बाद, उसके बाद आपने जो है ना अगली सुबह जो है ना इंशाल्लाह या शाम को जो है ना आप उसको रोटी के भोरे दें बस, और कुछ भी नहीं देना, वो भी हल्के से देने, उसको ज्यादा नहीं देने, थोड़ा सा वो 2-3 वाले इस तरह उठा के उसको बस वही देने, उससे ज्यादा नहीं देने, उसके बाद 2 दिन बाद वो आपको बिल्कुल कबूतर फ्रेश नजर आएगा, उसके बाद आप जो है ना उसको 1 दिन और बोरे दे दें, उसके बाद आप बेशक अपना पुराना दाना इस्तेमाल करवाएं, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं देना उसको, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना आपने चलाना है कबूतर को, ब्रीडर हो जो भी हो आपने इस तरह करना है, अगर ब्रीडर कबूतर ज्यादा है उनको आपने रोटी के बोरे देने हैं 2 दिन, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल जो है ना 100% वापस अपनी हालत में आ जाएगा, किसी किस्म का आजमा खराब नहीं होगा दोबारा इंशाल्लाह। तो कोशिश यह करें हफ्ते में 1 दिन रख लें इस तरह, तो उसमें आप जो है ना गुड़ वाला पानी बना के कबूतरों के आगे रख दिया करें, इंशाल्लाह हाजमा कभी भी खराब नहीं होगा। दोस्तों गुड़ को जो है ना बहुत से भाई अच्छी तरह उसके आप तासीर का उनको नहीं पता है कि किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इस मकसद के लिए वीडियो बनाई है। गुड़ जो है ना दोस्तों उसको कोई आम चीज ना समझे, कबूतरबाजी में गुड़ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा हाजमे के लिए, बाज़ टाइम खुराक हजम कराने के लिए भी गुड़ डाल दिया जाता है उसको हसब ज़रूरत, इसके अलावा कबूतर को परपटी के बाद जलाब कराने के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेट की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कबूतर के अंदर जितना भी गंद होता है ना वो जब आप देंगे ना उसको कबूतर को, देखें आप किसी भी बीमार कबूतर को दे देना तो उसके बाद आप उसके अंदर से जो गंद निकलेगा आप वो देखें, जितना भी पुराना गंद वगैरह हर चीज़ बिठे सारी बाहर आ जाती है, बिल्कुल पेट साफ हो जाता है,
गुड़ का ये कमाल है। और अगर आपको कहीं से पुराना गुड़ मिल जाता है ना तो वो तो बेहतरीन हो जाएगा आपको, क्योंकि पुराना गुड़ जो है ना वो ज्यादा जल्दी काम करता है बनिस्बत जो नए गुड़ आ रहे हैं ना उनके। तो पुराना गुड़ होता है जो डार्क जो है ना रंग का, बिल्कुल डार्क सा गुड़ होता है, वो ऐसे लगता है ये बिल्कुल ही पुराना है, लेकिन वही सबसे अच्छा काम करता है। तो अगर वो मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो आप दूसरे गुड़ से भी जो है ना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों वीडियो लाजमी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।